अनूपपुर जिले के अमरकंटक शासकीय हॉस्पिटल में पदस्थ शासकीय चिकित्सक डॉक्टर मलैया सुबह से नशे में धुत हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जो भी मरीज जाता है डॉक्टर साहब उससे गाली गलौज करते हैं। अमरकंटक के इकलौते हॉस्पिटल में जिस पर पूरे आसपास के गांव से मरीज आते हैं, वहां के क्या हाल है आप वीडियो में देख सकते हैं। रोगी कल्याण समिति से मैं वहां निर्माण कार्य करवाऊंगा, गरीब बच्चों के लिए दुकान खुलवाऊंगा और ऊपर स्टाफ के लिए रहने का कमरा बनवाऊंगा। ये तो आप पीछे भी बनवा सकते हैं। नहीं नहीं, उधर बन रहा है, बन रहा है, दतनी पूरी वाला काम होगा। मैं सबसे पहले ये हो गया आपका हाँ। ये प्रोजेक्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आने जाने वाले यात्रियों के लिए यहाँ मैं बकायदे तीर्थ यात्री आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, उनको रहने उनके लिए तो सब बने हुए आश्रम। अरे तो आश्रम वो धंधा कर रहे हैं सब, मृत्युंजय आश्रम धंधा कर रहा है, कल्याण आश्रम धंधा कर रहा है, बरखानी आश्रम धंधा कर रहा है, तो मैं वो धंधा बंद करवा मैं यहाँ बंद करवा हाँ अस्पताल में उन तो जब ज्यादा यात्री यहाँ रहेंगे समझिए आप जी ज्यादा यात्री रहेंगे तो अधिक नॉइजी पोल्यूशन होगा यहाँ पर। अच्छा उसके लिए स्टाफ रखूंगा। स्टाफ नहीं, ये आपके शिक्षा के क्षेत्र में है, सॉरी चिकित्सा क्षेत्र में, उसके बदलाव की मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। हाँ तो चिकित्सा के क्षेत्र में बताइए, ये एक्सरे मशीन जी, सोनोग्राफी टेक्नीशियन अलग से रखूंगा, एक्सरे सोनोग्राफी और खून जांच पेशाब जांच इन सब के लिए अलग से रोगी कल्याण समिति के द्वारा इसकी व्यवस्था। जब डॉक्टर साहब का सुबह से यह हाल रहता है तो मरीजों को चिकित्सा कैसे उपलब्ध होगी, जबकि अमरकंटक में पर्यटकों का आना जाना निरंतर लगा रहता है और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लाचार है। मरीजों का इलाज डॉक्टर अपने मूड के हिसाब से करते हैं, मन हुआ तो अस्पताल में बैठकर कुछ कर लिया, नहीं तो पूरे नगर बहकते हुए किसी की भी दुकान के सामने शराब के नशे में बैठकर लोगों को गाली गलौज करते नजर आते हैं। NP न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट।